अब बात करते हैं आज के डाउट नंबर चार पे। डाउट नंबर चार एक साथी ने भेजा है। ये जो डाउट है ये प्रोविजन से रिलेटेड है। एक डीए टू अकाउंट है, एक एनपी अकाउंट है जो डाउटफुल टू कैटेगरी में है। जी हाँ, डाउटफुल टू कैटेगरी में एनपी अकाउंट है और इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 20 लाख। इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, बैलेंस वो है 20 लाख, 20 लाख है। अब इसमें जो है सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी दिया हुआ है, अवेलेबल सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं वो है 8 लाख है। 8 लाख की कोई प्रॉपर्टी होगी, 8 लाख है सिक्योरिटी है। और इसमें सीजी टीएमएससी कवरेज है, सीजी टीएमएससी कवरेज है वो 50% का कवरेज है। कितना है? 50% का कवरेज है। अब ये डाउटफुल टू कैटेगरी में है तो इसमें निकाला है कि प्रोविजन क्या होगा, इस पर प्रोविजन निकालने के लिए बोला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। वैसे तो हमने ऐसे क्वेश्चन हल भी किए हैं लेकिन आज इससे भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसमें कितना प्रोविजन निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था प्रोविजन के जो क्लास हुई थी, प्रोविजन के क्लास में बताया था कि जब भी सब स्टैंडर्ड के बाद आती है तो हमको निकालना है दो चीज। एक निकालना है कि इसका सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, सिक्योर्ड पोर्शन, और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है। अगर ये दो चीजें निकल गई तो आपको प्रोविजन निकालना बहुत आसान है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो अब देखिए इसमें सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दिया है, ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दिया है सिक्योर्ड पोर्शन। तो सिक्योर्ड पोर्शन हो गया 8 लाख, 8 लाख जो है सिक्योर्ड पोर्शन हो गया। अब बचा 20 लाख, तो 20 लाख में से 8 लाख कर ले तो बचा कितना, रेस्ट है 12 लाख बच गए, 12 लाख जो है रेस्ट बच गए। अब 12 लाख का जो है आप देखिए यहां पर 50% जो है किसमें है, वो सीजीटीएमएससी कवरेज में है। तो इसका 50% जो है सीजीटीएमएससी कवरेज में है, मतलब ये कितना आ गया, 6 लाख तो सीजीटीएमएससी कवरेज में चला गया। और इस पर कोई भी प्रोविजन नहीं होता है सीजीटीएमएससी में, 6 लाख पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गारंटी है तो कोई भी प्रोविजन नॉर्म्स लागू नहीं होता। मतलब 12 लाख अनसिक्योर्ड बचा यहां पर 12 लाख में, लेकिन चूंकि यहां पर 50% जो है कवरेज है सीजीटीएमएससी से, सीजीटीएमएससी से, तो यहां पर ये 12 लाख अनसिक्योर्ड नहीं होगा। अब ये अनसिक्योर्ड हो जाएगा यहां पर, वो 6 लाख हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 6 लाख हो जाएंगे। अब 6 लाख अनसिक्योर्ड हो जाएंगे तो अब निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अब इसकी केस है डीए टू का। डीए टू के केस में क्या होता है, सिक्योर्ड पोर्शन का 40% प्रोविजन होता है और अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100% प्रोविजन होता है। आप निकाल लीजिए इसका 40% कितना होगा, 3.20 लाख, और इसका कितना होगा 100%, 6 लाख, 6 लाख। तो इसका प्रोविजन हो जाएगा टोटल 9.20 लाख हो जाएगा, 9.20 लाख। और ये आपका उत्तर है, इसका प्रोविजन जो है 9.20 लाख होगा। हमने क्या किया, जब भी ऐसे प्रोविजन के केसेस आए तो आपने करना क्या है, उसका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन निकालना है। अगर ये निकल गया तो प्रोविजन बहुत आसान है, क्योंकि डीए वन में आता तो ये 25% होता और ये 100% होता है। डीए टू में 40%, ये 100%। डीए थ्री में ये 100%, ये भी 100%। तो हमने क्या किया, सिक्योर्ड पोर्शन को अलग कर दिया 8 लाख, बचा कितना 12 लाख, क्योंकि 20 लाख आउटस्टैंडिंग है। अब 12 लाख जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसका 50% सीजीटीएमएससी है, तो 50% सीजीटीएमएससी है तो 6 लाख पे तो कोई प्रोविजन नहीं होगा। बचा 6 लाख अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड का 100%, 8 लाख का 40%, 9.20 लाख इसका प्रोविजन है। आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ आ गया होगा।